है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनको है, जॉब लेना है उनको क्या क्या करना होगा सर? और उनको सिर्फ जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर अकाउंटेंट का हेल्पर चाहिए जिनको हम रहना खाना और साथ में सैलरी, पांच तरह के पोस्ट हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज। दोस्तों आप लोग काफ़ी डिमांड के साथ एक बार फिर से आ गया है जॉब का वीडियो। दोस्तों आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर जॉब का वीडियो ढूंढिए, तो हमने काफ़ी रिसर्च किया और चारों तरफ पता लगाया, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों बहुत ही इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पता चला कि जॉब का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर जॉब की बात करें तो बहुत तरह का जॉब है। यहाँ के ऑनर से मिलेंगे और सारी जानकारी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा, किस तरह का जॉब है, क्या सैलरी है, क्या क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका सर। आपका भी स्वागत है सर हमारे कंपनी और माइन इंडस्ट्री में। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सर जो जॉब दे रहे हैं किस तरह का जॉब दे रहे हैं? हमारी कंपनी जो खेमनी चक चौराहा पटना में स्थित है। पटना में स्थित है ना सर? जी हाँ जी। तो हमारे पास लगभग पांच तरह के पोस्ट हैं अभी जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, बस जो कुछ दिनों के लिए ही है। सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ना सर? दिनों के लिए है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट निकली हुई है। और वो मतलब ऑल ओवर बिहार से भी हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए और लोकल पटना से भी कुछ कैंडिडेट चाहिए। अच्छा सर, जो ऑल ओवर बिहार से चाहिए वो जो है हमें हेल्पर चाहिए जिनको हम रहना खाना और साथ में सैलरी सब कुछ देंगे। रहने खाने के लिए जगह, रहने के लिए जगह भी देंगे, खाने के लिए उनका व्यवस्था भी देंगे और उनको सैलरी जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा। उसके हेल्पर का जॉब हो गया। उसके अलावा दूसरा जो पोस्ट है हमारे पास वो है अकाउंटेंट का, तो हाँ, जिसमें हम रहना खाना नहीं देंगे, वो ओनली हमें लोकल बंदे चाहिए जो यहाँ पर आके काम करें। नहीं सर, बाहर के एक बंदा अगर तो अपना आकर के रूम लेकर रह सकता, काम कर सकता, ऐसी बात नहीं कि पटना का ही चाहिए। अपना आकर यहाँ रूम पे रह, मतलब अपने रूम पे रह के काम कर सके, वैसे वैसे मतलब स्टाफ की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। हाँ, और तीसरा जो पोस्ट है वो है टेलीकॉलिंग का, जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ना सर? गर्ल्स के लिए है जो मतलब कि टेलीकॉलिंग का काम करेंगी। हमारा मशीनों का काम है, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, नोटबुक मेकिंग मशीन, बहुत सारी तरह की मशीनें हम लोग सेल करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो कस्टमर हमारे पास कॉल करते हैं उन कॉल को हैंडल करना होता है और उस कॉल को समझाना होता है, मशीनों के बारे में समझाना होता है। और जो चौथा पोस्ट है हमारे पास वो है एचआर एडमिन का, यानी कि एचआर का और एडमिन का भी, यानी कि फुली ऑफिस का मैनेजमेंट करने के लिए एक स्टाफ की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप हमारे ऑफिस में या हमारे नंबर्स पे कॉल करके इंटरव्यू का टाइम अपना सेट कीजिए और आकर हमारे ऑफिस में इंटरव्यू दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अच्छे सैलरी के साथ, अच्छे पैकेज के साथ हम आपको अपने ऑफिस में एज ए जॉब रख सकते हैं। और कोई जॉब है सर साथ में? हाँ, ये और ऑफिस बॉय का भी जॉब है। हाँ। अगर लोकल लड़के भी हों तो ऑफिस बॉय के तौर पे भी हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ। और ऑफिस बॉय के अलावा एक और पोस्ट है हमारे पास टेक्नीशियन का, जो मशीनों को सही करेंगे। कहने का मतलब मशीन टेक्नीशियन में तो ऐसे लोग आएंगे जिसको पहले से एक्सपीरियंस कुछ हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम उनको अपने अनुसार मतलब उनको टेक्निकली नॉलेज देते हैं और उसके बाद वो जो है जाकर मशीनों को इंस्टॉल करते हैं। मतलब हम फुली उनको इंजीनियर बना देते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपका टेक्निकल माइंड है तो आप हमारे यहाँ आके और हमारा काम देख के अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको सर मन में कैसे कैसे ख्याल आया कि इस तरह का जॉब यहाँ पर दिया जाए? सर हमारे बिहार में जो है बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है। और हमारा जो मशीनों का काम है वो मशीनों का काम ही है रोजगार देना, यानी कि एक आदमी मशीन ले जाता है तो उसको भी एक दो बंदे चाहिए और जो मशीनें नहीं भी ले जाते हैं उनको भी एक दो बंदे चाहिए कि हमारे घर में इस मशीन को चलाने की रिक्वायरमेंट है, कभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हम आने वाले फ्यूचर को देखते हुए वैसे टेक्निकल पर्सन, वैसे हेल्पर को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के हमारे हमारे मशीनों में या दूसरे जहाँ भी हम मशीन सेल करते हैं वहाँ पे जाके वो काम कर सकें। तो इस तरह से अगर आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की तो आप हमारे पास एक बार आइए और हमारा सेटअप देखिए, मशीनें देखिए कि आप इस कौन सा काम कर सकते हैं, उसके अनुसार हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, ऑलरेडी हमारे पास लगभग 20 से 22 लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट बार मतलब रिक्वायरमेंट
निकाले हुए हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हेल्पर के तौर पे भी, मैनेजमेंट के तौर पे भी, टेक्नीशियन के तौर पे भी। तो आप भी आइएगा तो उसी तरह से हम आपको काम देंगे और आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। अच्छा सर, बात करें जिनको जॉब लेना है उनको क्या करना होगा? जिनको भी जॉब चाहिए उनको बस कुछ भी नहीं करना, अपना एक बायोडाटा बना लीजिएगा और उसके साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी लगा लीजिएगा और अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर हेल्पर हैं तो उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हेल्पर नहीं है, टेक्नीशियन है, या अगर आपको कोई भी बड़े पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आपको पूरा क्वालिफिकेशन का पूरा का सर्टिफिकेट हमें आप हमारे यहाँ लेकर आइए और उसको वेरीफाई करने के बाद ही हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी। अच्छा सर, जिनको जॉब लेना है उनको क्या क्या करना होगा सर? और उनको सिर्फ जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए, और कॉलिंग करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके और शाम में 6 बजे तक है। अगर सुबह 9 बजे से पहले आप कॉल करते हैं तो हो सकता है कोई ना उठाए, या शाम के 6 बजे के बाद करेंगे तो हो सकता है कोई ना उठाए या मोबाइल ऑफ रहे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ही आप कॉल करें। दोस्तों, अगर आपको जॉब लेना है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, डिस्प्ले पे नंबर रन कर रहा है उसी पे कॉल करना है। आप लोग बार बार देखते हैं कि हमें कॉल करते हैं, हमें कॉल करने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जॉब हम आपको नहीं दे रहे हैं, आपको कंपनी जॉब देगी। हम जॉब देते आपको खुद हम बुलाते, हम जब कभी नहीं देंगे, कंपनी आपको जॉब देते आपको कंपनी के नंबर कॉल करना, और कंपनी का नंबर डिस्प्ले पर रन कर रहा है नंबर, उस पर बात कीजिए और उनसे जॉब लीजिए आसानी से और अपनी दिनचर्या को काफ़ी अच्छा बनाइए। सर, एक बार हमारा व्यूअर को एड्रेस बता दीजिए अच्छे तरीके से। एड्रेस हमारा जो एड्रेस है वो है खेमनी चौक चौराहा, हनुमान नगर बाईपास, पटना। ठीक है दोस्त, आपको बस स्टैंड उतरते हैं तो डायरेक्टली आपको खेमनी चौक चौराहा बोलना होगा, और अगर आप रेलवे स्टेशन पे महावीर मंदिर की तरफ भी उतरते हैं तो वहाँ से भी आपको खेमनी चौक चौराहा का डायरेक्टली ऑटो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज तक वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें।